ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, जैसे कि रूमर्स थे कि नो मर्सी के बाद हमें द शील्ड टीम का रीयूनियन देखने को मिलेगा, और उसके बाद की रॉ में हमने देखा कि अब जो स्टोरी लाइन है वो बिल्कुल उसी ट्रैक पर चल पड़ी है जो हमें पहुंचा सकती है द शील्ड के रीयूनियन तक। तो अब जब द शील्ड टीम का रीयूनियन होने वाला है तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि उनके लिए सबसे बेस्ट टीम कौन सी हो सकती है और WWE ने क्या चीज़ें प्लान्स कर रखी हैं आगे द शील्ड टीम के लिए। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं द एवोल्यूशन। तो जैसे कि हम टीम को जानते हैं, ये बहुत ही डोमिनेट टीम हुआ करती थी और जिसके मेंबर्स थे रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच एंड बटिस्टा। तो काफ़ी अच्छी टीम थी, अगर शील्ड के कंपैरिजन में देखें तो बहुत अच्छी टक्कर दे सकती है द शील्ड को। इससे पहले भी हमने इन दोनों टीम्स के बीच फ्यूड देखी थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही फैंस ने पसंद किया था। तो उम्मीद करते हैं अगर WWE फ्यूचर में इन दोनों टीम्स के बीच कुछ कॉन्टेस्ट प्लान करती है तो फैंस उसे पसंद करेंगे। द वाइट फैमिली। तो कुछ साल पहले इस टीम ने WWE पर राज करा हुआ है और हमें द वाइट फैमिली और द शील्ड के बीच पहले भी फ्यूड देखने को मिल चुकी है, लेकिन तब की वाइट फैमिली और अगर अब वाइट फैमिली बनती है तो उसमें बहुत ही डिफरेंस होगा, क्योंकि हमने ब्राउन स्ट्रोमैन का पहले एक अलग रूप देखा था और हम ब्राउन स्ट्रोमैन का मॉन्स्टर अमंग मैन वाला रूप देख चुके हैं। तो अगर अब फिर से ये टीम का रीयूनियन होता है द वाइट फैमिली का तो बहुत ही अच्छा होगा WWE के लिए और बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिल सकता है द शील्ड टीम के साथ। अगली हमारे पास आती है द बुलेट क्लब। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस नाम से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन इस बुलेट क्लब टीम के चार मेंबर इस समय हमें देखने को मिल जाते हैं WWE के रोस्टर में। वो है फिन बैलर, ल्यूक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन। इसके अलावा NXT में एडम कोल भी हैं जो कि बुलेट क्लब के मेंबर रह चुके हैं। तो NJPW में ये काफ़ी डोमिनेट टीम थी, तो अगर अब हमें द शील्ड टीम के साथ बुलेट क्लब का मैच देखने को मिलता है तो वो काफ़ी अच्छा होगा। र्यूमर्स काफ़ी पहले से ही आ रहे हैं कि हमें द शील्ड और बुलेट क्लब के बीच मैच देखने को मिल सकता है जिसके मेंबर्स होने वाले हैं फिन बैलर, ल्यूक गैलोज, कार्ल एंडरसन या फिर एडम कोल। तो अगर ये सभी टीम रीयूनियन कर लेती हैं और द शील्ड की टीम का भी हमें रीयूनियन जल्दी देखने को मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता है सर्वाइवर सीरीज़ के लिए। और इसके काफ़ी सारे रूमर्स पहले से आ चुके हैं, तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी हमें द बुलेट क्लब और द शील्ड का मैच देखने को मिले सर्वाइवर सीरीज़ में। तो गाइज़, ये थी वो तीन टीम, अगर WWE इनका मैच फिक्स करती है द शील्ड के साथ तो वो काफ़ी अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। इसके अलावा कमेंट में आप ज़रूर बताना आपकी इन तीनों में सबसे फेवरेट टीम कौन सी है और आप किन टीम्स के बीच मैच देखना चाहेंगे। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पर कोई टीम मिस करी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर द शील्ड टीम के साथ इनका मैच हो तो वो भी एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी WWE की अपडेट्स मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।